बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले पहले तो मैं आप लोगों का बहुत सारा थैंक्स कर दूं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे एनिवर्सरी पे विश किया और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करे, दुआएं दी। और बस इसी तरीके से ही मेरी वीडियो को है ना पसंद करते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करके। खैर, मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि तमाम चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जितना हो सकता है इतना करने की कोशिश करती हूँ। और जो कुछ भी आप लोगों को मेरे चैनल पर चाहिए होना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला वो सब भी मैं करने की कोशिश करूँगी। और आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है देगी अचारी गोश्त। बीफ में बना रही हूँ मैं और बहुत मज़े का बनेगा। और फिर ऐसी अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त तो वैसे ही सबके ही फेवरेट होते हैं। और उसके साथ मैं बना रही हूँ बटर नान, जो हम है ना चूल्हे पर ही बनाएंगे तवे के ऊपर विदाउट क्या कहेंगे कि तंदूर। हालांकि नान वगैरह तंदूर में ही बनते हैं या अवन में बनते हैं, तो हम विदाउट तंदूर और अवन हम बनाएंगे तवे के ऊपर बटर नान। और आप लोग भी देखिएगा और उन्हें ट्राई करिएगा, बहुत मजा आएगा। खैर, इससे पहले भी मैंने है ना नान की रेसिपी दी भी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत मजे के बनेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये दोनों रेसिपीज भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलें फिर बनाते हैं। तो जी, ये हाफ के जी मैंने मैदा ले लिया है। और नान वगैरह जो होते हैं वो मैदे के बनते हैं, या फिर जो वाइट आटा होता है, फाइन आटा, वो ले लें आप, बहुत मज़े के बनेंगे इन दोनों चीज़ों के। खैर, इसमें अब डाल लेंगे हम ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून भर के। और फिर इसमें जाएगा ये मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून है ये, 1 टेबलस्पून चीनी है और 1 टीस्पून नमक था। चारों चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब ये एक प्याली में इसमें दही ऐड करूँगी, दही का बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आएगा और बहुत मज़े के आपके नान बनेंगे। और इसे हमें गूंदना है दूध के साथ, मुश्किल से 1 कप दूध लगेगा आपका और बहुत मज़े का ये हमारा डो रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। और बस फिर इसे गूंदने के बाद, और इसे ना बहुत अच्छे से गूंदना है मल मल के ना, ताकि जो हमारा खमीर है वो बहुत अच्छा है और हमारा जो आटा है वो अच्छे से खमीर हो जाए। तो बस खूब मुक्कियाँ मार मार के इसे आप गूंदें, और जब तक गूंदें जब तक ये इसके ऊपर ना एक चिकनाहट नहीं आ जाती। तो ये देखें, जैसे जैसे हम गूंदते जाएंगे ये एक डो की शक्ल लेता जाएगा और बहुत मज़े का हमारा ये आटा रेडी हो जाएगा। तो बस अब हम इस पे ऑयल लगा के इसे रख देंगे खमीर होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा और आपका ये खमीर हो जाएगा। तो जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ही धनिया, साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हमें दरदरा पीस लेना है, ग्राइंडर में आप पीस लें। और ये देखें, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। देखा होगा आपने जिस तरीके का अचार में मसाला होता है, सेम वैसे ही इसे हमें शक्ल देनी है। अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। ये है 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने कलौंजी ऐड की है। और अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला। चाट मसाले का बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, चटपटा सा, ज़रूर ऐड करिएगा। और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें कुटी लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी ऐड की, और सॉरी साबुत धनिया, वो पिसा हुआ धनिया भी इसमें 1 टीस्पून ही था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ही नमक या हसबे जायका, जिस तरीके का आपके घर में खाया जाता है। और इसे बस अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारा देगी बीफ अचारी गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे चाहें तो आप ज़्यादा बना के स्टोर भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इतना ही बनाया है जितनी मुझे अभी ज़रूरत है। अच्छा, ये साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा ये हमें पीसना है दरदरा, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी
खाना अचार का पहले हमें खैर मसाला यही रेडी करना है। तो जैसा आपने देखा होगा अचार में साबुत साबुत मसाला होता है, दरदरा पिसा हुआ, तो वैसे ही हमें इन तीनों चीज़ों को लेके पहले पीस लेना है, फिर जो बाकी के मसाले हैं वो मैं इसमें शामिल करके आपको दिखाती हूँ। और अब आ जाते हैं बीफ की तरफ। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, नज़र आ रहा होगा आपको, और ये है हड्डी वाला, ठीक है। बड़ी बड़ी इसकी बोटियां हैं, और क्योंकि हम देगी बीफ अचारी गोश्त बना रहे हैं, तो चाहे तो आप इसे मटन में बना लें या फिर चिकन में। चिकन में भी बहुत मज़े का बनेगा। अब ऑयल ले लिया था मैंने एक पैन में, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड की है बारीक कट करके, और चार बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लूँगी, जिन्हें मैं ऊपर से जो उनका टॉप होता है ना वो काट के हम डाल देंगे छिलके समेत, और इसे प्याज के साथ ही हम इसे हिलाते जाएंगे। और जब ये इसे आंच लगेगी ना, तो फिर इसके जो ऊपर के जो छिलका होता है ना खुद ही रिमूव होता जाएगा, बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। बहुत इजी तरीका है ये छिलका रिमूव करने का, आप भी इस तरह करिएगा ना, तो आपका टमाटर ज़ाया होगा और ना ही आपको कोई मुश्किल आएगी। तो ये देखें जैसे जैसे ये पकता जाएगा इस तरीके से इसका, ये आप किसी भी चीज़ की मदद से इसका जो है छिलका ये रिमूव कर लें, और बहुत आसानी के साथ हट भी जाता है ये। और इसी तरीके से बस मैं सारे ये हटा लूँगी, और फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। और इस तरीके से टमाटर डालने से ना एक तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है टमाटर का, ऊपर से है ना जो हमारी चीज़ होती है वो भी बहुत मज़े की पककर रेडी होती है। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि प्याज भी ब्राउन होती जा रही है, तो बस प्याज भी ब्राउन हो गई है हमारी, और टमाटर का मैंने छिलका भी रिमूव कर लिया है। इसे अब हम अच्छे से हिला लेंगे, और इसमें फिर हम अपना जो गोश्त है हमारा बीफ है वो ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है ये, और बहुत इसके जो मसाले हैं वो तो वैसे ही सुनकर ही दिल चाहता है कि खाएं। तो बस अब गोश्त को इसके साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बीफ का हमारे कलर चेंज होगा, फिर इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। और इसको आपने तेज़ आंच पर ही भूनना है ताकि ये अपना पानी नहीं छोड़े, और साथ साथ ना टमाटर भी नरम होते जाएंगे। तो बस जब कलर चेंज हो गया था हमारे बीफ का, तो उसमें मैंने ये पिसा हुआ लहसुन और अदरक ऐड कर दिया है, ये भी मैंने फ्रेश ही डाला है, और जो थोड़ा बहुत उसमें लगा रह गया था वो भी मैंने पानी डाल के उसी में ही ऐड कर दिया है, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और जो हमने फिर अचारी गोश्त का मसाला बनाया था वो तमाम इसमें ऐड कर देंगे, और मसाला डालते ही जो खुशबू आएगी ना माशाल्लाह से आपका पूरा घर खुशबू से भर जाएगा, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े का बना था। तो ये देखें मसाला डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, और जब मसाले टमाटर सब चीज़ें लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही डालने के बाद भी इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है, और क्योंकि हम बीफ का बना रहे हैं तो भुनाई तो इसकी लाजमी ही है। तो ये देखें एक प्याली के करीब मैंने इसमें दही डाल दी है, एक प्याली कह लें आप या एक पाव कह लें। तो बस इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम, और पूरा घर में आपके है ना अचार गोश्त की खुशबू आएगी। हमारे तो घर माशाल्लाह से पूरे घर में आ रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बनाया था अचार गोश्त। तो बस जी इसे अच्छे से दही को मिक्स करनी है ताकि दही फटे नहीं, आप जैसे ही दही ऐड करें बस उसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, वरना अगर हम ऐसी डाल के छोड़ देंगे तो हमारी जो दही होगी वो फट जाएगी। तो देखें दही डालने के बाद भी ये अच्छे से भुन चुका है, अब हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है जितने में हमारा गोश्त गल जाता है, और पानी मैंने गर्म ही ऐड किया है इसमें, बॉयल पानी, ठीक है। और क्योंकि हम इसकी काफ़ी बार भुनाई कर चुके हैं तो बस अब हमें इतना पानी डालना है कि हमारा जो ग्रेवी है वो जब ये रेडी हो, सालन गोश्त गल जाए तो बस वो उसी में ही पूरा हो जाए। तो ये देखें मैंने गलने के लिए रख दिया है, और अब आ जाते हैं हम अपने नान की तरफ। इतने हमारा गोश्त गल रहा है, और ये आटा भी अच्छे से खमीर हो गया था, तो जो नान के ऊपर चीज़ें लगानी हैं, हरा धनिया, कलौंजी, और ये है बटर, ये तीनों चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। तो अब बस पेड़े बना लेते हैं, और जितने बड़े आपको नान बनाने हों आप इतने बड़े बड़े पेड़े बना कर रख लें,
और बहुत मज़े के बने थे ये भी। इसमें आप दही और दूध ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खाने में भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कोई सोडा हमने ऐड किया है या बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो बस पेड़ा लेके उसे अच्छे से हम है ना बेल लेंगे, और जितना बड़ा आपको नान बनाना है इतना बड़ा आप बेल लें, और फिर इसके ऊपर कलौंजी और हरा धनिया ऐड कर दें, और फोक की मदद से इसके ऊपर हम है ना निशान लगा देंगे ताकि एक अच्छा सा जो लुक होगा नान का वो आ जाए। और फिर इसके ऊपर हम कलौंजी और हरा धनिया डाल देंगे चारों तरफ से, आप इस तरीके से कर दें। खैर हरा धनिया और कलौंजी मुझे जब पेड़ा छोटा था उसी टाइम डालना चाहिए था, खैर दूसरे पे डाल लेंगे आप, जब थोड़ा सा बिल जाए उस टाइम डालिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और अगर दोबारा बेलने में निशान गायब हो जाए तो उन्हें आप दोबारा से डाल लें। ठीक है, तो ये हमारा नान बिल्कुल रेडी है। अब इसके जो बैक साइड है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे अच्छे से, ताकि तवे के ऊपर हमारा नान जो है वो अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये जो नान है वो चिपकेगा नहीं। और तवा ऑलरेडी मैंने गर्म होने रख दिया था, और अगर आपका तवा पकड़ने वाला है ना हैंडल वाला, तो बहुत इजीली आप इसे सेफली बना सकेंगे, तो प्लीज़ इसी तवे पर ही बनाइएगा वरना आपको मुश्किल होगी। तो बस जब है ना ऊपर बबल्स बबल्स से आ जाए नान हमारा, देखें कितने अच्छे से खमीर हो गया था, कितनी अच्छे से उस पर बड़े बड़े से बबल्स आए हैं। तो बस इसे बेक करके तवे को उल्टा करके, और फिर इसे अच्छे से हम सेक लेंगे, और आप देखते जाएं कि कितना सेकना है आपको। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा नान कितने मज़े का सिकता जा रहा है, और माशाल्लाह से बाज़ार से भी बहुत मज़े का बना था, और इसकी लुक देखकर ये आपको लग रहा होगा कि ये कितने मज़े का बना है, और बहुत अच्छा खमीर हुआ था ये। और पीछे से भी देखें बैक साइड से कितने अच्छे से सिक गया है ये। बस अब इसे हम ट्रे में रखेंगे और इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे, तो ये हमारा बटर नान रेडी है। इसे ज़रूर बनाइएगा आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको बना के। और खैर बाज़ार में भी सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का तो टेस्ट ही अलग होता है, मज़ा भी आता है। तो देखिए जी, हमारा सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया है, और ग्रेवी भी इतनी ही है इसमें जितनी हमें रखनी है। अचार गोश्त और कढ़ाई गोश्त में इतनी ही ग्रेवी अच्छी लगती है, ठीक है, ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता। और तो बस ये है इसकी फाइनल लुक, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनेगा और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा। तो बस जी, यहीं तक थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़। और नान भी देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, और बटर लगा के तो इनका मज़ा ही दोबाला हो गया था। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे, उन्होंने भी बहुत शौक से खाए थे। और माशाल्लाह से हमारा खाना रेडी है, आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें।